सर, ये जो 5 लोग गिरफ्तार किए हैं साउथ ईस्ट में, क्या है पूरा मामला? साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पुलिस और यूपी एसटीएफ ने मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन में काफ़ी बड़े स्तर पर चेक क्लोनिंग करके बैंक फ्रॉड करने वाले एक गिरोह को गिरफ्तार किया है, जिसमें 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। ये ऑपरेशन जैसे कि मैं बताया, यूपी एसटीएफ दिल्ली पुलिस का जॉइंटली हुआ था, और दिल्ली में और इलाहाबाद में भी रेड करके इनको पकड़ा गया है। ये जो मेथड यूज़ करते हैं वो चेक क्लोनिंग का मेथड है, जिसमें कि वो चेक चाहे ऑलरेडी कस्टमर के पास घर पे रखा हुआ हो, पर उसी चेक का एक क्लोन बना के वो बैंक में प्रेजेंट करके कई लाख रुपए कस्टमर के अकाउंट से निकाल लेते हैं या दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। कस्टमर हैरान रहते हैं कि ये वो जो चेक नंबर है, वो चेक नंबर तो उसके पास घर में रखा हुआ है, पर वो चेक कैश कैसे हो गया। तो इसको चेक क्लोनिंग के मेथड से करते हैं। दिल्ली में हमने एक ओखला इंडस्ट्रियल एरिया में हमारे पास एक केस है, इन्होंने कई वारदात कर रखे हैं, पर साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में ओखला थाने में जो केस है उसमें 3,60,500 रुपये एक कंप्लेनेंट के अकाउंट से इलाहाबाद में किसी के अकाउंट में चले गए थे, जबकि वो चेक उसने इश्यू नहीं किया था। तो इस केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें पता लगा कि यूपी एसटीएफ भी ऐसे ही केसों पर काम कर रही है, और दिल्ली और आसपास के स्टेट्स में इस तरह के कई मुकदमे दर्ज हैं। तो जब जॉइंटली वर्क करना शुरू किया तो सर्वेलेंस के बेसिस पे यहाँ बदरपुर के थाना बदरपुर के इलाके से एक आकाश सिंह नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जॉइंट टीम ने, और उसके थ्रू फिर आदर्श दुबे और उनके इंट्रोगेशन में जो 3 नाम सामने आए उनको इलाहाबाद में यूपी एसटीएफ की मदद से अप्रेहेंड किया गया, और सब्सिक्वेंटली उनकी गिरफ्तारी साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने डाली। इससे ये पता चला कि जो इनका मास्टरमाइंड है शोएब, ये इलाहाबाद में जो इसको पकड़ा गया, वो अकाउंट के कुछ डिटेल्स अपने अदर एसोसिएट्स के थ्रू, वो जो कुरियर कंपनी में काम करते हैं या अदर फाइनेंस कंपनी में काम करते हैं, उनके थ्रू आकाश को भेजता था। यानी कोई चेक का एक फ़ोटो खींच के वो आकाश को भेजता था। अब चेक के फ़ोटो खींच के भेजने से उसमें उसको अकाउंट नंबर, उस कंसर्न ब्रांच के सारे डिटेल, उसका सिग्नेचर, अकाउंट होल्डर का सिग्नेचर, ये सारे डिटेल उसको पता लग जाते थे। ये डिटेल्स वो अब कैसे पाता था, ये हमें पता चला कि कुछ फाइनेंस कंपनी में कुछ लोगों से, कुरियर कंपनी के लोगों से। उसमें छानबीन अभी चल रहा है, और भी लोगों की गिरफ्तारी हो सकता है। जब ये आकाश के यहाँ भेजता था तो आकाश एक मास्टर फोर्जरर है, जिसको आकाश को बहुत ही अच्छे तरीके से चेक क्लोनिंग या फोर्जरी करने का स्किल है। वो सिग्नेचर देख के बिल्कुल परफेक्ट कॉपी करना, और उससे भी इम्पॉर्टेंट जो है चेक को क्लोन करना। जिस भी बैंक का चेक उसको क्लोन करना होता था, उस बैंक का एक ओरिजिनल चेक लेके, जो कि मिल सकता है अगर आप अकाउंट खोलेंगे तो आपको उस बैंक का एक ओरिजिनल चेक मिलेगा, उस ओरिजिनल चेक को लेके उसमें से उस अकाउंट के डिटेल्स को मिटा के उस पर टारगेट विक्टिम के अकाउंट के डिटेल्स को प्रिंट कर देता था यूजिंग सॉफ्टवेयर और प्रिंटर, जो हमने अपने रेड के दौरान सीज़ किए हैं उनके पास से, लैपटॉप और प्रिंटर वगैरह, जिसके सॉफ्टवेयर में हमने पाया भी है ये सारे चीज़ क्लोन कर देता था, और सिग्नेचर करके चेक में अमाउंट भर के बैंक को प्रेजेंट करके फिर वो अमाउंट किसी के खाते में चला जाता था। अब ये कौन से खाते में जाता है, ये अरेंज करने का काम वहाँ पे संजय यादव जो अक्यूज्ड है उसका काम था, कि वो इस तरह के लोग आइडेंटिफाई करता था और उनको कुछ पैसे दे के उनका खाता खुलवा के इस तरह फ्रॉड करने के लिए यूज़ करता था। इसके बारे में उनको और भी डिटेल्स जानने होते थे कि इस खाते में कितना पैसा है, कौन सा चेक नंबर अभी चल रहा है, तो ये डिटेल्स जानने के लिए वो बैंक के कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करते थे ये गिरोह के लोग। और कस्टमर केयर पे कॉल करने पे कस्टमर केयर वाले कुछ डिटेल्स पूछते हैं और फिर वो ऑथेंटिकेट करते हैं कि आप जेन्युइन में वो कस्टमर हो कि नहीं। पर इन लोगों के पास जो इन्फॉर्मेशन होता था उसके बेसिस पे वो कस्टमर केयर वाले को कन्विंस कर पाते थे कि वो एक्चुअल में कस्टमर हैं, और अकाउंट का बैलेंस और अभी कौन सा चेक नंबर चल रहा है वो सारा चीज़ पता कर लेते थे, ताकि सही जो अगला चेक नंबर आने वाला है उस चेक नंबर को वो यूज़ करें क्लोन चेक पे, और अमाउंट उतना ही भरें जितना कि उस अकाउंट से निकल सकता है। तो इस तरह काफ़ी एलैबोरेट और प्लान्ड तरीके से, बहुत ही मेटिकुलसली इन्होंने इस तरह किया है वारदात। ऑलरेडी हमें पता लग रहा है कि इस तरह के वारदात उन्होंने कई दर्जन कर रखे हैं, और एस्टिमेटेड अमाउंट
अभी इस टाइम पे 50-60 लाख से ऊपर है। दिल्ली के और भी कई केसेस कनेक्ट होने के इसमें उम्मीद है, उनसे पूछताछ इस बारे में चल रहा है। इसमें और एक बात यह है कि इन जो इनको पकड़ा गया है, इन सब का प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट है। आकाश सिंह भी पहले इसी तरह के काम करते हुए अरेस्ट हुआ है। जो शोएब अहमद है उस पर भी दो केस हैं, पहले अरेस्ट हुआ है। संजय यादव जो है वो एक सेंसेशनल डबल मर्डर केस में भी अरेस्ट हुआ है और उस पर भी कई पुराने मुकदमे हैं। तो इस तरह ये एक गैंग है जो इसमें प्रोफेशनली ऑपरेट कर रहा है और अपनी टेक्निक को इम्प्रूव करता है ताकि वो पकड़े ना जाएं। पर ये UPSTF के साथ अच्छे कोऑर्डिनेशन से UPSTF के साथ अच्छे कोऑर्डिनेशन के कारण और जो सर्वेलेंस रहा और इस टीम के कारण ये कामयाबी हो चुका हासिल हो सका है। UPSTF में एडिशनल SP डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी उनका टीम था और यहाँ साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट से इंस्पेक्टर राजीव जो साइबर सेल इंचार्ज हैं और सब इंस्पेक्टर चंदन जो ओखला थाने में पोस्टेड हैं, उन्होंने इस केस में मेहनत करके इस केस को सफलता क्या क्या किया। बैंक वाले भी शामिल हैं और ये जो आकाश है और शोएब जो कितने पढ़े लिखे हैं, ये लोग कहाँ से ये प्लान बनाए थे? इसमें डेफिनेटली और भी लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, उनके पूछताछ में बात सामने आया है। कुछ फाइनेंस कंपनी के लोग, कुछ कुरियर के लोग। अब ये क्या बैंक वालों तक ये तार जाते हैं, ये अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आएगा। अब जहाँ तक ये रहा कि ये कितने पढ़े लिखे हैं, आकाश एज सच बड़ा टैलेंटेड सा लड़का है। 12th में पढ़ा है और 12th में इसको करीब करीब 98% मार्क्स हासिल हुए थे। आकाश का भाई पहले ये काम करता था और उसका रोड एक्सीडेंट में डेथ होने के बाद फिर आकाश ये इस गैंग के साथ जुड़ के काम करने लगा। शोएब का एडुकेशन क्वालिफिकेशन, शोएब भी 12th पास है और उसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग मतलब इन्वॉल्वमेंट है क्योंकि वही पहले वो इन्फॉर्मेशन को जनरेट करता है, पूरा प्रोसेस उसके पास स्टार्ट होता है और यही हमें अब आगे के इंट्रोगेशन में पता करना है कि वो इन्फॉर्मेशन लेता किन किन लोगों से है, जिस पर अभी काम चल रही है। इन सबको PC रिमांड पर लाया गया है, फर्दर पूछताछ करके इसमें और भी अरेस्ट हो सकते हैं। विजुअल वगैरह तो आप थाने में कर लेंगे।